बहुत ही भाव मिश्रित पल है जब, लेकिन सरकारी नौकरी में यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें भी ट्रांसफर पोस्टिंग लगी रहती है। मुकामावासियों को जो प्यार प्रेम स्नेह जो हमें दिया उसके लिए सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमेशा भी कभी भी ये लोग हमें भी याद करेंगे तो बिल्कुल हमारे तरफ से जो भी बन पड़ेगा हमारा हमेशा सहयोग है। इसी के साथ एक बार पुनः सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। कठिनाइयों का सामना तो खैर देखिए सब, क्योंकि एक सामाजिक संरचना है गठनशक्ति, और यहाँ सभी के सहयोग से बेहतर तरीके से कार्यान्वयन किया जाता है। तो कम से कम आज इस भावुक पल में मैं समझता हूँ कि इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी, लेकिन चलिए ओवरऑल मैं यही कहता हूँ कि बहुत ही प्रेम स्नेह मिला है मुकामा से, और वाकई ये हमेशा हमारे मन और दिल में इसका एक अलग सम्मान बना रहेगा। थैंक यू। मुकामा के जो माननीय पार्षद और जो प्रतिनिधिगण हैं उन लोग से जो सम्मान मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी सहयोग इसी तरह का बरकरार रहेगा, और जो भी बोर्ड के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा या लिया गया होगा उन लोग को उसको हम सही ढंग से क्रियान्वित करेंगे। अभी तो दो तीन दिनों के बाद चुनाव का आचार संहिता लगने वाला है, लेकिन जो भी समय रहेगा उसमें हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे। आज मुकामा नगर परिषद कार्यालय सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी का विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। नमस्कार, मुकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। आज बुधवार को मुकामा नगर परिषद कार्यालय के सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार की विदाई और सुमित्रा नंदन का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार का तबादला नगर परिषद मोकामा से नगर परिषद नौगछिया कर दिया गया है। उनकी जगह नए कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने अपना कार्यभार संभाला। विदाई सह स्वागत समारोह में मौजूद लोगों ने तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार की कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नगर परिषद मोकामा में अपने कार्यकाल के दौरान मुकेश कुमार एक समर्पित और मेहनती अधिकारी रहे। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं और पहलुओं को लागू किया जिससे शहर के निवासियों को बहुत लाभ हुआ। उनके जाने पर मिश्रित भावनाएं सामने आ रही थी। टीम के एक मूल्यवान सदस्य को खोने का दुख था, लेकिन नौगछिया में उनका स्वागत कर रहे नए अवसरों के लिए उत्साह भी था। जैसे ही सुमित्रा नंदन ने नए कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला, कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और अपने पूर्ववर्ती द्वारा शुरू किए गए अच्छे काम को जारी रखने का वादा किया। विदाई स्वागत समारोह आम लक्ष्यों को प्राप्त करने में टीम वर्क और सहयोग के महत्व की याद दिलाता है, और यह नगर परिषद मोकामा में मुकेश कुमार के योगदान को याद करने का भी एक सुनहरा अवसर। मुकेश कुमार मोकामा नगर परिषद में लगभग 3 साल तक कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने नगर परिषद मोकामा में अप्रैल 2021 में अपना योगदान दिया था और मार्च 2023 में उनका तबादला नौगछिया नगर परिषद कर दिया गया है। उनकी जगह पर नौगछिया के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन का पदस्थापना किया गया है। नए कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मोकामा में कई नई चुनौतियों से भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यह वादा किया कि अगर सबका सहयोग मिलेगा तो कोई भी चुनौती आसानी से हल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मोकामा नगर परिषद क्षेत्र को स्वच्छ रखना उनकी पहली प्राथमिकता है। विदाई सह स्वागत समारोह के अवसर पर सभापति नीलेश कुमार ने कहा कि मुकेश कुमार ने मोकामा नगर परिषद में जितना बढ़िया कार्य किया यहाँ की जनता सदा उनका आभारी रहेगी। उनके नेतृत्व में मोकामा में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर बहुत ही बढ़िया काम किया गया। सभी जगह स्ट्रीट लाइट बेहतरीन ढंग से लगवाया गया और मोकामा चौक बाजार थाना चौक सहित द्वार पर लगा लाइट पूरे इलाके को जगमगा रहा। आवास योजना को काफ़ी पारदर्शी तरीके से योग्य लाभार्थियों तक बिना किसी लाग भाग के पहुंचाया गया। उपसभापति नीतू देवी ने कहा कि मुकेश कुमार जैसे मृदुभाषी अधिकारी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं।
उन्होंने जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता दी, जिस वजह से मुकेश कुमार जनप्रतिनिधियों से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मुकेश कुमार कार्यपालक पदाधिकारी के मोकामा से स्थानांतरण के बाद मोकामा के कई लोग निराश हुए, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता प्रबुद्ध जन सीधे तौर पर मुकेश कुमार से जुड़े हुए थे और जनप्रतिनिधियों की भांति वह भी कार्यपालक पदाधिकारी से समाज के हित के कई मुद्दे कार्यपालक पदाधिकारी से सीधे संवाद करके करवा रहे थे। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।